जब भी आप कोई भी साइट पे काम करते हो और उस साइट पे अगर कंक्रीट का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको कंक्रीट में यूज़ होने वाले अलग-अलग मटेरियल्स का क्वांटिटी निकालना आना ही चाहिए। कंक्रीट में यूज़ होने वाले सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का कितना आपको कंजप्शन रहेगा और कितना आपको वो ऑर्डर करना है, उसके लिए क्वांटिटी निकालना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट देखें तो M20, M25, M30, बहुत सारे ग्रेड के कंक्रीट का इस्तेमाल हम करते हैं। कंक्रीट का इस्तेमाल यानी कि कंक्रीट का जो प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, उस प्रोडक्शन के लिए कितना मटेरियल चाहिए वो आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर आप कोई भी एलिमेंट का एस्टिमेशन निकाल रहे हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि कितना मटेरियल उसमें कंज्यूम होने वाला है। तो इसको आसानी से निकालने के लिए आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि कैसे हम कोई भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट का जो मटेरियल कंजप्शन है उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ। कंक्रीट में सबसे जरूरी मटेरियल जो होते हैं वो है सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। एग्रीगेट में कब्जी भी रहती है और ग्रिट का भी कंटेंट रहता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि M20 ग्रेड कंक्रीट क्या है। जब हम बात करते हैं M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, यहाँ पे अगर हम देखें तो M का मतलब होता है मिक्स, और 20 जो है वो है कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होती है 20 न्यूटन पर mm². अगर यहाँ पे M30 ग्रेड है तो उसकी स्ट्रेंथ होगी 30 न्यूटन पर mm². दूसरी बहुत ही ज़रूरी बात यह है कि एक ड्राई वॉल्यूम होता है और एक वॉल्यूम होता है वेट वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम हम उसे कहेंगे जब हम मटेरियल को बिना पानी डाले इकट्ठा करते हैं, तो उसको हम ड्राई वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कहेंगे। और वेट वॉल्यूम में जब हम पानी ऐड करते हैं तो वो जो वॉल्यूम क्रिएट होता है उसको हम वेट वॉल्यूम कहेंगे। अब ड्राई वॉल्यूम जो होता है वो तकरीबन 1.57 टाइम्स वेट वॉल्यूम से ज़्यादा होता है, यानी कि 54% से लेके 57% तक उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। यानी कि जब हम ड्राई मटेरियल लेते हैं तो उसका वॉल्यूम हमें ज़्यादा लेना पड़ता है, उसमें सब वेस्टेज और लॉसेस ऑफ मटेरियल इंक्लूड करके ये फैक्टर एक दिया गया है, जिससे हम ड्राई वॉल्यूम को क्वांटिटी वाइज कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखें तो M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है उसका एक पर्टिकुलर रेशियो होता है, वो रेशियो है 1:1.5:3, राइट। और उसका समेशन अगर हम करेंगे तो होगा 5.5। ये है टोटल रेशियो ऑफ M20 ग्रेड मटेरियल। यहाँ पे जो 1 है वो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट है, 1.5 है वो क्वांटिटी ऑफ सैंड है, और 3 जो दिया गया है वो है क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट। तो ऐसे एक रेशियो सभी ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए होता है। अब हम आगे देखें तो उसका पर्टिकुलर मटेरियल रेशियो वो होगा 1/5.5, और यहाँ पे होगा 1.5/5.5, और यहाँ पे होगा 3/5.5। अब जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रेशियो के मुताबिक अगर हमको ड्राई वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो ड्राई वॉल्यूम के लिए हमको ये सारी जो पर्टिकुलर रेशियो है मटेरियल का, उससे 1.57 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1.57 × 1.57, तो अभी हमको मिल जाएगा
वॉल्यूम ऑफ ड्राई मटेरियल, तो वो होगा अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिलेगा आपको 0.285, और ये 0.285 है वो आपको मिलेगा मीटर क्यूब क्वांटिटी में। दूसरा सैंड का है 0.428 मिलेगा, और एग्रीगेट का जो मिलेगा वो है 0.856 मीटर क्यूब। अब अगर आप डेंसिटी जानते हो तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल से आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो वो मल्टीप्लिकेशन आपको, अगर आप सीमेंट का डेंसिटी देखो तो 1440, और वो होगा केजी पर मीटर क्यूब में। सैंड का तकरीबन होता है 1450 से लेके 1500 तक, हम यहाँ पे रखेंगे 1450, और एग्रीगेट का लेंगे 1500, ठीक है। तो ये हो गया उसका डेंसिटी। अब हम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करेंगे तो हमको मिल जाएगा वेट, और वेट हम कैलकुलेट करेंगे केजी में, तो वो वेट निकल के आता है 410.4, जो कि सीमेंट का वेट है, 620.6 जो कि सैंड का है, और 1284 जो कि एग्रीगेट का है। तो ये हमको केजी में सारे मटेरियल का वेट मिल गया। अब यहाँ पे देखें तो जो वेट होता है वो सीमेंट का जो वेट है वो हम बैग के मुताबिक लेते हैं, तो एक बैग होता है उसमें 50 केजी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 410.4 डिवाइड बाय 50 तो कितना बैग हो जाता है, वो हो जाता है 8.208 बैग्स, ठीक है। तो इतना बैग सीमेंट हमको चाहिए, और ये जो सारी कैलकुलेशन हो रही है वो 1 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए हो रही है। यहाँ पे लिख देते हैं हम फॉर 1 मीटर क्यूब कंक्रीट, ठीक है। अब हम आगे देखें तो हमारे एग्रीगेट में दो कंपोनेंट मैंने बताए, वो एक तो है कपची का होता है और एक होता है ग्रीट का। अब कपची होती है तकरीबन 60% और ये होता है 40%, तो उसका जो परसेंट अगर हम निकालें तो वो मिलेगा 1284 का 60%, यानी मिलेगा 770.4 केजी, और उसका 40% होता है 513.6 केजी। तो ये हो गया सारा मटेरियल का कैलकुलेशन। अब आप यहाँ पे देखो तो हमको टोटल वेट जो है वो कितना चाहिए, तो सीमेंट का टोटल वेट हमको चाहिए 410.4 केजी, और उसको हम बैग में लेंगे वो होगा 8.2 बैग समथिंग। सैंड का जो वेट है वो होगा 620.6 केजी, और एग्रीगेट का हम वेट दो पार्ट में लेंगे, एक होगा कपची का वो है 770.4 केजी, और एक होगा ग्रीट का जो कि है 513.6 केजी। तो ये हो गया मटेरियल कैलकुलेशन फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। ऐसे कोई भी कंक्रीट का ग्रेड हो तो उसका मटेरियल कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। तो अब आप जान गए हैं कि कंक्रीट में यूज़ होने वाले अलग अलग मटेरियल्स जो है उसका क्वांटिटी कैलकुलेशंस कैसे करना है। तो ये वीडियो यहाँ तक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे कुछ और बात लेके, तो तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, और गुड बाय एंड टेक केयर।